हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्या कभी आपने रैंडम नंबर जनरेट किए हैं? जी हाँ, रैंडम नंबर तो आपने जनरेट किया होगा। क्या आपने कभी रैंडम डेट भी जनरेट किया है एक्सेल में या ओपन ऑफिस कैल्क में? दोनों ही में देखेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप एक्सेल में करना चाहते हैं तो यहां पर आ जाइए, एक्सेल शीट पर आ जाइए और यहां पे इक्वल्स टू लगा लीजिए, क्योंकि एक्सेल में तो कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू के निशान से शुरू होता है। हमें क्या जनरेट कराना है, रैंडम डेट। तो यहाँ डेट का फॉर्मूला लगाया हमने और यहाँ चूंकि हमको डेट रैंडम चाहिए तो यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा लिया। अब चूंकि हमको ईयर चाहिए तो ईयर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईयर रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2000 से लेकर, ठीक है, और फिर कॉमा लगाएंगे और 2024 तक के बीच के रैंडम ईयर्स चाहिए। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, फिर यहां पर इसे बंद करते हैं और फिर यहां कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाकर क्या करेंगे, अब यहां मंथ चाहिए तो मंथ के लिए भी क्या करेंगे, रैंड बिटवीन वापस से लगाएंगे। तो यहां लगाया रैंड बिटवीन, तो ये देख सकते हैं नीचे रैंड बिटवीन आ रहा है। आप इसको सेलेक्ट करके टैब बटन प्रेस कर दीजिए और फिर अब हमें मंथ्स लेना है। तो मंथ्स हम कैसे ले सकते हैं, तो मंथ्स के लिए हम क्या करेंगे, एक से लेकर 12 ही महीने होते हैं तो 1,12 कर देते हैं, यानी 1 से 12 के बीच में कोई भी मंथ हमें चाहिए। ठीक है, फिर कॉमा लगाते हैं। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें डेट्स चाहिए। तो डेट्स 1 से लेकर 31 के बीच का कोई भी डेट हमें चाहिए, तो यहाँ पे रैंड बिटवीन लगाते हैं और 1 से 31 तक का कोई भी डेट हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 1,31 कर देते हैं और इसको बंद करते हैं और बंद करने के बाद इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। लेकिन आप सोचेंगे कि यहाँ पे डेट तो आ नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, इन सारे को ऐसे ड्रैग करके जहां तक चाहिए, भाई जहां तक आपको ये चाहिए, जैसे मान लीजिए इधर भी चाहिए तो यहाँ भी ड्रैग कर दीजिए, नीचे भी ड्रैग कर दीजिए। लेकिन ये डेट नहीं आ रही है तो क्या करना है, यहाँ से आपको फॉर्मेट बदल देना है, यहाँ से फॉर्मेट क्या करना है, डेट कर देना। और जैसे ही डेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट आना शुरू हो जाएगा और ये रैंडम डेट जनरेट हो जाएगा। अब यही चीज आपको करना है ओपन ऑफिस में, तो कैसे करेंगे, सेम तरीका। ठीक है, देखिए कैसे, इज इक्वल टू का निशान लगाया और यहाँ पे डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये डेट का फॉर्मूला इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे चूंकि रैंडम डेट चाहिए तो आर ए एन डी रैंड बिटवीन लगाएंगे, रैंड बिटवीन। तो यहाँ पे ये रैंड और यहाँ पे आर ए एन डी बी ई टी डब्ल्यू डब्ल्यू ई एन रैंड बिटवीन लगाया हमने। यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ बॉटम और टॉप आ रहा है तो यहाँ पर हमें जो ईयर है वो देखना है पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बार 2019 से लेकर कॉमा लगाएंगे, कॉमा नहीं बल्कि यहाँ पे तो सेमी कॉलन लगता है तो सेमी कॉलन लगा दिया, और 2024 के बीच का ईयर चाहिए तो ये 2024 कर दिया। अब इसको बंद करेंगे, ठीक है, बंद करके कॉमा नहीं लगाएंगे बल्कि सेमी कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे रैंड बिटवीन लगाएंगे, आर ए एन डी बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन। तो ये हो गया रैंड बिटवीन इस तरीके से, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर यहां पर क्या करना है, इस बार हमें क्या देना है, मंथ देना है। तो 1 से लेके 12 तक का कोई भी मंथ हम दे देंगे, तो 1 से लेके 12 तक का कोई भी मंथ आता रहे, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है, फिर यहां लगाएंगे सेमी कॉलन। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट है। फिर यहां पर क्या करेंगे, रैंड बिटवीन लगाएंगे, आर ए एन डी बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन रैंड बिटवीन हो गया। रैंड बिटवीन लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर ईयर हो चुका है, मंथ हो चुका है, अब डेट लाना है। तो हमें 1 से लेकर 31 तक के बीच का कोई भी डेट चाहिए। ठीक है, तो ये 1 सेमी कॉलन 31 कर दिया और जितने बार रैंड बिटवीन लगा है उतने बार हम क्लोज करेंगे, यानी 3 ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने और अब एंटर प्रेस करना है। और एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर एक डेट जनरेट हो चुकी है, देख सकते हैं। अब यहां पर इसको ड्रैग करते हैं तो बहुत सारी डेट अपने आप जनरेट होती चली जा रही है। और उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी कि ये किस तरीके से आप रैंडम डेट जनरेट करेंगे। देखिए कितनी सारी रैंडम डेट्स जनरेट हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि ये डेट्स चेंज ना हो, जैसे यहां पर भी देखिए, यहां पर अभी 8 आपको दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद ये 8 चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डेट तो रैंडम है तो ये चेंज होते रहता है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेल में भी है, एक्सेल में भी यहां पे देखिए, ये मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं क्योंकि यहां पे पोर्शन आपको अभी दिखाई पड़ेगा। यहां देखिए अब चेंज हो गया ये डेट। इसी तरीके से ओपन ऑफिस में है तो ये चेंज ना हो इसके लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है। यहां पर इस पूरे डेटा को, यहां पे जो डेट इंसर्ट होंगे उसको सेलेक्ट करके कॉपी करिएगा और यहां से आइएगा पेस्ट स्पेशल पर, और पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद इसे बना दीजिएगा वैल्यू। तो बस ये वैल्यू जैसे ही बनेगा तो फिर ये अब चेंज नहीं होगा। और यही काम आपको ओपन ऑफिस कैल्क में भी करना है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।